हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं ये जो इंस्टेंट वाटर गीजर होते हैं उनका चेकिंग प्रोसेस क्या होता है। ये हर बनाने वाला नहीं करता है ये प्रोसेस, लेकिन हम जो करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप ये गीज़र लेते हो, इंस्टेंट वाटर गीज़र, पोर्टेबल गीज़र, कोई सा भी गीज़र कह लो, इसके कई सारे नाम हैं। तो ये जब भी आप गीज़र लेते हो तो सबसे बड़ा रिस्क इसमें ये रहता है कि जब डायरेक्टली आप पानी को यूज़ करते हो, इस तरीके से डायरेक्टली हाथ लगाते हो आप पानी के साथ में ना, तो इसमें करंट का सबसे बड़ा खतरा होता है। ध्यान रखिएगा करंट, इसलिए खासकर हम लोग यही ध्यान रखते हैं कि आपके पास में जो भी हमारा प्रोडक्ट जा रहा है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही अच्छे तरह से चेक होकर जाए। इसलिए हमारे यहाँ से एक एक गीज़र पूरी तरह से चेक होकर निकलता है। जी हाँ, रून मैनुअली चेक करते हैं, हाथ लगा के देखते हैं, टेस्टर लगा के देखते हैं, इसमें सारी चीज़ें चेक होती हैं। इसमें सबसे पहला जो चेक होता है पॉइंट कि इसमें करंट तो नहीं आ रहा। जब भी हम गीज़र असेंबल करने वाले हैं उससे पहले हम लोग क्या रहता है, ये जो एलिमेंट देख रहे हो, इस तरह से हमने एक कैबिनेट जो है इस तरह से टांगी हुई है, उसके बाद में हम इसको इस तरह से रख देते हैं, मतलब उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं और प्लग को लगा देते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये देखनी होती है कि इसमें जो है करंट तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं प्लग लगाने के बाद में, उसके बाद ये टेस्टर है उसको यहाँ पर छिला के देखते हैं। मतलब हम मैनुअली चेक कर रहे हैं कि पानी के साथ करंट तो नहीं आ रहा, टेस्टर लगाते हैं, फिर ये मैंने चालू कर दिया, उसके बाद में हम लोग ये हाथ लगा के देखते हैं कि कहीं इसमें करंट तो नहीं आ रहा। अब हम करंट से बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि भाई जिसके पास भी ये गीज़र जाएगा उसमें करंट नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये मैनुअली चेक कर लिया है। दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं कि ये कट ऑफ सही टाइम पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हरा जो आप लाइट देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया है। मतलब आप अगर इसको 5, 6 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के लिए भूल भी जाते हो चला के, मतलब ये कंडीशन में कि आपने नल बंद कर दिया और गीज़र को ऑन छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में भी ये गीज़र सेफ है। आपने देखा ये हरा वाला लाइट जो है बंद हो चुका है, अब ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो गया। तो अब ये जब चालू होगा, जब हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे और पानी ठंडा आना स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमने गीज़र का करंट भी चेक किया कि करंट तो नहीं आ रहा, कम से कम सही समय पे कट ऑफ हुआ है या नहीं ये भी हमने चेक कर लिया। कट ऑफ सही टाइम पर होना चाहिए, अगर कट ऑफ सही टाइम पर नहीं होगा तो ये गीज़र जो है आपका जल जाएगा, इसलिए हमने कट ऑफ भी चेक कर लिया। हमने ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से बंद और यहाँ से निकाल देते हैं और इसको हम रख देते हैं कहाँ, असेंबल के लिए। अब ये जो गीज़र है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एलिमेंट चेक हो गया, कट ऑफ चेक हो गया, मतलब ये गीज़र जब भी आपके हाथ में जाएगा, चाहे वो रिटेलर कस्टमर हो, चाहे होलसेलर कस्टमर हो, चाहे वो ए सिंगल एक पीस लेने वाला ग्राहक हो, जिसके पास भी जाएगा ये गीज़र पूरी तरह से सेफ है। वो इसको इस तरह से हाथ लगा के यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें हमने ये सारी चीज़ें असेंबल करने से पहले चेक कर ली है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हर जगह ये प्रोसेस नहीं किया जाता, सिंगल सिंगल पीस हर जगह नहीं चेक किया जाता, क्योंकि सर्दी के टाइम पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं बहुत से, वो क्या करते हैं, एलिमेंट लगाए, थर्मोस्टेट लगाए, बिना चेक करे असेंबल करके आपके पास निकाल देते हैं। तो ये चीज़ गलत होती है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए गीज़र उनसे लीजिए जो मैनुअली जो लोग चेक करते हैं, हर चीज़ देखते हैं, उनसे गीज़र लीजिए, क्योंकि ये आपकी जान का सवाल होता है। फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से चेक करने के बाद में फ़ायदा कितना होता है। ये जो पीस रखे हैं, पीस चेक होने के लिए आए थे, लेकिन वो जो पीस रखे हैं वो अभी चेक होना बाकी हैं। ये पीस बिल्कुल ओके हैं, जो कि आप तक पहुँचेंगे, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे सिंगल पीस लेने वाला बंदा हो, ये पीस उनके पास पहुँचेगा, तो कोई भी शिकायत नहीं है इसमें। लेकिन ये जो पीस हैं, देखिए इन पीस में कमी निकली है, किसी में थोड़ा सा करंट आ रहा है, किसी में जल्दी कट ऑफ हो जा रहा है, कोई ढंग से पानी गर्म नहीं कर रहा। तो ये फ़ायदा होता है, जब भी आपके पास में कोई चीज़ पहुंचती है तो 100% वो बिल्कुल ओके होती है। ये जो प्रोसेसिंग है चेक करने की, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो भी पीस आएगा वो बिल्कुल ओके आएगा, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। चाहे वो होलसेलर हो, दुकान वाले बहुत से इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि भाई उनको बार बार रिटर्न करना पड़ता है और बार बार उसमें कमी आती है, तो उनकी दुकानदारी भी ख़राब होती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट कोई सा भी लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन वो मैनुअली चेक होके आपके पास में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे जिसको एक सिंगल पीस भी चाहिए, वो लोग हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप करके ऑर्डर कर सकते हैं, आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। सिंगल पीस का अमाउंट अलग होगा, होलसेल रेट अलग होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। सिंगल पीस भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन होलसेल रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।